सिंदूर उत्पादन के लिए बिहार का एक जिला देश और विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है और इस जिले को लोग सिंदूर की नगरी के नाम से भी जानते हैं। सुहागिनों की मांग की शोभा बढ़ाने वाला सिंदूर और लोगों के जिंदगी में रंग भरने वाला गुलाल का व्यापक पैमाने पर यह निर्माण होता है। और दरअसल हम बात कर रहे हैं क्यूल नदी के किनारे बसे बिहार के महत्वपूर्ण शहरों में से एक लखीसराय जिले की, जिसका 3 जुलाई साल 1994 को जिला के रूप में गठन किया गया था और आज यहां बड़े पैमाने पर सिंदूर और गुलाल का निर्माण किया जाता है। बता दें कि इस उद्योग का इतिहास काफी साल पुराना है और लखीसराय में वर्ष 1932 में शहर के पुरानी बाजार स्थित चितरंजन रोड में पहला रजिस्टर्ड कारखाना चंडी प्रसाद मुरलीधर डोलेरिया कलर एंड केमिकल्स कंपनी के नाम से शुरू किया गया था। बता दें कि लखीसराय में 4 और रंग के सिंदूर की फैक्ट्री खोली गई है। बात अगर पूरे बिहार की करें तो बिहार में कुल 12 सिंदूर रंग फैक्ट्री निबंधित है, जिसमें लखीसराय में अकेले कुल 5 फैक्ट्री संचालित है और जिसके निर्माण क्षमता की अगर बात करें तो प्रत्येक दिन लगभग 20 से 25 टन तक है। और साथ ही आपको बता दें कि हालांकि यह निर्माण का आंकड़ा त्योहारों में खूब बढ़ जाता है। ऐसे में आप सभी तो जानते हैं कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है और भोलेनाथ का दिन है, वहीं 8 मार्च को रंगों का त्योहार होली भी है और इस दोनों त्योहारों में रंग और गुलाल का खपत अधिक मात्रा में होता है, जिसको लेकर निर्माण भी अधिक से अधिक मात्रा में किया जा रहा है। त्योहारों को लेकर फैक्ट्रियों में अभी से ही ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं, जिसको पूरा करने के लिए फैक्ट्रियों में मजदूर दिन रात काम में जुटे हैं और यहाँ का सिंदूर देश के अलग अलग राज्यों के साथ विदेशों में भेजे जाते हैं। इसका देश के साथ विदेशों में भी खूब डिमांड है। बता दें कि भारत में बंगाल, दिल्ली, यूपी, उड़ीसा, अगरतला, झारखंड, त्रिपुरा आदि बहुत ही प्रमुख है। अगर विदेशों की बात करें तो नेपाल और भूटान तक यहाँ के सिंदूर और गुलाल अपना रंग बिखेर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पाए जाने वाली रे मिट्टी ने दिलाए सिंदूर को एक अलग पहचान और इस मिट्टी को आमतौर पर रेगुर मिट्टी और कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग काला होता है, इसलिए आम बोलचाल की भाषा में इसे लोग काली मिट्टी भी कहते हैं या फिर बोलते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें जल धारण की क्षमता आम मिट्टी की अपेक्षा कई गुना तक अधिक होती है, जिसके कारण यह बहुत जल्दी चिपचिपा हो जाती है और इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटैश होते हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण यह मिट्टी सिंदूर और गुलाल निर्माण के सभी पैमाने पर खड़ा उतरती है। इसमें निर्मित गुलाल और सिंदूर काफी उच्च क्वालिटी के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।